आज हम आए हैं एक गरीब परिवार जो बिहार में रहता है, तो हमने उनसे बात करी है और उन्होंने कहा कि भैया हाथ से इतना माल नहीं बन पा रहा और डिमांडें खूब है और हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें आपसे मशीनों की ज़रूरत है। तो हम पहले इनके यहाँ पर आए, इनका सेटअप देखा और देखा हाथों से तो माल कम भी बनता है और इनको हमने भट्टी बनवाई थी 6-7 महीने पहले, तो उस भट्टी के ही लिए इनको हमारी बात अच्छी लगी, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में हमसे कुछ मशीनें खरीदी, तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ कोई मशीन लगी नहीं है, केवल हाथ से बनाते हैं और ये भट्टी हमारे द्वारा ही बनाई गई है। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी और हमसे कोई भी समस्या दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चले आइए, हम आपको बाद की वीडियो दिखाते हैं जो मशीन हम इनके पास लेके आए हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है पगमिल प्लस सिंडिकेटर। सिंडिकेटर के बाद में इन्होंने कहा था कि भई हमें गैस वाली भट्टी भी की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कितना माल पकाएंगे, तो हमने इसको गैस वाली भट्टी दी है। तो साइड में आप देख रहे हो ये गैस वाली भट्टी का ही दृश्य है। उसके बाद आप आगे चलिए, इनका जो चाक है वो हटा दिया है इन्होंने, तो उसके बाद हमने जो बनवाई है वो भट्टी रखी हुई है। इसके बाद इधर कारीगर लगे हुए, ये टेबल स्टूल वाली है जिगर जोली, तो ये 3 फीट तो चौड़ी है और ये 8 फीट लंबी है। तो ये मोल्ड भी रखे हुए हैं यही बनाए हुए, जो मोल्ड जिगर जोली बने हुए। चलो आइए आपको आगे का चीज़ दिखाते हैं जिससे मोल्ड बनते हैं। ये मोल्ड बनने वाले POP के कट्टे हैं, जो इसे वाइट सीमेंट ही बोलते हैं, इन्हीं कट्टों से बनते हैं POP। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और ये है ब्लैंकेट भाई दे रहा है, यही ब्लैंकेट फाइबर है, इसी को काम में लेते हैं भट्टी के ऊपर रखने के लिए। तो ये कुम्हारों का चाक रखा हुआ है, उसके बाद आपको फिर से भट्टी दिखाते हैं, ऐसा कुल्लड़ पकता है इस भट्टी के माध्यम से। बाकी का हमारा काम पूरा हो गया है, होने के बाद में हम बॉक्स में मोल्ड जमा जमा के गिन गिन के रख रहे हैं, जिससे कि हमारा हिसाब किताब हो सके और इनको फिर दोबारा निकालने में परेशानी ना आए। और धूल मिट्टी से क्या मोल्ड ख़राब हो जाते हैं नए वाले, तो इनको हम रख देते हैं बॉक्स में पैक कर, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी ये अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और बाकी का हम पैक करने का कारण यही है, क्योंकि अब चलेगा फिनिशिंग का काम, तो धूल मिट्टी होगी होने के से ये मोल्ड के अंदर की डिज़ाइन ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इनको पैक करके रख रहे हैं। और बाकी का इनसे जो हमारा हिसाब किताब है बॉक्स के हिसाब से मोल्ड गिनाव आ जाएंगे, और इनसे हमारा पेमेंट लेने के बाद में हम अपने गंतव्य स्थान तक चले जाएंगे। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, और आप बताइए आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी मिट्टी से संबंधित जानकारी, भट्टी हो, गैस वाली भट्टी हो, या मशीन से संबंधित कोई भी जानकारी खराब है होना, या कोई भी समस्या हमसे जानने की इच्छा रखते हो।